अगर आप वो पेरेंट है जिसके बच्चे को स्टैमरिंग का इशू है, और अगर आप वो बच्चे है जिसको स्टैमरिंग का इशू है बट उसके पेरेंट उसको नहीं समझ पा रहे, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। पेरेंट्स के साथ जब आपके कनेक्शन बनते हैं या फिर पेरेंट्स जब आपको सपोर्ट करते हैं सपोर्ट नहीं करते इसके इसी को लेकर, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे तीन बातें शेयर करना चाहता हूँ। दो बातें जो है वो आपके पेरेंट के लिए, और एक जो आखिरी बात है वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुश पारे, और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ पेरेंट रिलेटेड बातें शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको स्टैमरिंग का इशू है और अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं इसमें, बट कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों जो पेरेंट के साइड से थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ बातें होती है अपने पेरेंट्स के साथ उस बच्चे की, या फिर बच्चे को ना समझना कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, कैसे बात हो रही है, वो क्यों ऐसे कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं उनको स्टैमरिंग क्या होती है या फिर वो बात कैसे वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वो उनको कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो वो किसी स्पीच वहाँ पे कोई स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह होता है वहाँ पे जाता है, या फिर कोई ट्रेनर होता है वहाँ पे, वो पूछते कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कुछ बातें ऐसी होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ। पेरेंट्स के साथ जब आपके कनेक्शन बनते हैं या फिर पेरेंट्स जब आपको सपोर्ट करते सपोर्ट नहीं करते इसके इसी को लेकर, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे तीन बातें शेयर करना चाहता हूँ। दो बातें जो है वो आपके पेरेंट के लिए, और एक जो आखिरी बात है वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या फिर अपने फैमिली मेम्बर के ग्रुप में उसको ज़रूर ऐड शेयर कीजिएगा, ताकि उनको ये बात पता चले दोस्तों कि आपको जो प्रॉब्लम है, जो आपको इशू है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट हो तो आपको भी अपने बच्चों की जो इशू है स्टैमरिंग को लेकर, उसको भी आप बहुत अच्छे से इसमें जान पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ तीन बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जो भी पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को बच्चों से एक्सपेक्ट करते कि वो हमेशा अच्छे मार्क्स से पास हो, हर एरिया में अच्छे अच्छे काम करे, अपना नाम रोशन करे, हर पेरेंट ये चाहता है। बट जब वो पेरेंट ये चीज़ चाहते हैं तो वो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, या फिर उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चे ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक बात ये आती है दोस्तों, उसको मैं कहूँगा ऑटो करेक्शन। जैसे आप गूगल पर यूट्यूब पर कोई नाम सर्च करते हैं तो उसके नीचे अपने आप एक ऑटो करेक्शन आता है, तो आप उसको क्लिक करते हो, ऑटो करेक्ट होकर आपको सर्च रिजल्ट में आउटपुट दिखाता है। वैसे ही क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमको ऑटो करेक्ट करते रहते हैं हमेशा ही, जिनको ये इशू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आए हुए हैं और आपको उन गेस्ट ने बुलाया है कि बेटा आओ बैठो यहाँ पर, तो आपके पेरेंट्स आपके आसपास होते हैं, और जब आप वहाँ पर बात करने लगते हैं उन गेस्ट लोगों से, और अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड पर अगर आपको स्टैमरिंग का इशू होने लगता है, तो एकदम से आपकी मम्मी या फिर आपके पापा उसको ऑटो करेक्ट कर देते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब शायद आपके पेरेंट्स भी ऐसा ही कुछ करते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स ना करते होंगे बट आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर ये ज़रूर करता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा भाई है, जो मेरी बहन है, उसका इम्प्रेशन अच्छा है गेस्ट के सामने, बाकी लोगों के सामने। बट स्टिल मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ है ऑटो करेक्ट करना अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहन को, ये बहुत 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 उसको पीछे नीचे डाल सकती है स्टैमरिंग की वजह से। अब क्यों, मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। ऑटो करेक्ट करना, उसके बात को कंप्लीट करना, एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि जो उसको सपोर्ट करती है हमेशा ही, उसको ये लगता है कि मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए मेरी बात को कंप्लीट करने के लिए। जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा होने लगता है, तो उसके पर्टिकुलर एज तक उसके पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तब तक तो वो पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते रहते, उसको ऑटो करेक्ट करते रहते, उसके बात को कंप्लीट करते रहते लोगों के सामने। जैसे वो बच्चा स्कूल में कॉलेज में जाता है, जब वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर जाता है, तब वहाँ पर क्या होता है, तो वो कुछ ऐसे इंसान के
सर्च में रहता है जो उसको हेल्प करे। जैसे वो कोई अपने ऐसे कोई फ्रेंड्स बना लेता है जिसको कहता है कि यार मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे ये बात कंप्लीट करनी है। तो फिर वो क्या करता है, छोटा बच्चा किसी दूसरे को पकड़ लेता है उसके वर्ड्स को ऑटो करेक्ट करने के लिए, उसके वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। ये जो बात है ना दोस्तों, ये बहुत 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 नुकसानदायी है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जब मेरे पेरेंट्स, जब मेरे घर वाले इस चीज़ को ऑटो करेक्ट करते थे, तब मुझे अच्छा लगता था कि हाँ मेरे पास कोई है, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई है। बट जब मैं जब आप कॉलेज में जाते हैं, उसके बाहर जॉब के लिए जाते हैं दोस्तों, तब आपको बहुत 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 ज़्यादा इशू आता है। तो मेरा सबसे पहला एडवाइस पेरेंट्स लोगों को यही है कि आप अपने बच्चों को ऑटो करेक्ट ना करें, आप अपने बच्चों को सपोर्ट ना करें, बल्कि आप अपने बच्चों को टाइम दे बात करने का कि हाँ ठीक है आपको इशू आ रहा है ना, आप बात कीजिए, अपने गेस्ट लोगों के सामने बात कीजिए, उनको अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बच्चा एक ऐसा बच्चा हो जाएगा दोस्तों कि जिसको हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत चाहिए हमेशा ही, और वो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास कोई हो जिसके थ्रू वो बात कर सके। तो सबसे पहला सजेशन दोस्तों पेरेंट्स के लिए, आप अपने बच्चों को ऑटो करेक्ट ना करें। दूसरा एडवाइस पेरेंट के लिए, जब आपका बच्चा किसी के सामने बात करता है तो बहुत सारे पेरेंट ये करते हैं दोस्तों कि वो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। अरे ये इस बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स निकाले, उसको 90% मिले और इसको देखो 80% ही मिले। ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इसको 90 मिले, इसको 80 मिले, इसने ये चीज़ टॉप की, इसका फर्स्ट नंबर है, इसको सेकंड मिला। जब आप पेरेंट्स लोग जब अपने बच्चों के साथ इस तरह से कंपैरिजन करते हैं तो आपका बच्चा आपके ही तरफ देखता है कि अगर मेरे ही पेरेंट्स मुझे ऐसे बात कर रहे हैं, मुझसे ऐसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस वो अपने आप कम हो जाता है दोस्तों। जब उसका कॉन्फिडेंस ऐसा कम हो जाता है तो वो आपसे कम बात करने लगता है। अब मुझे पता है पेरेंट्स लोग इस तरह की बातें उसके अच्छे के लिए बोलते हैं कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ मोटिवेट हो खुद से और कुछ अच्छे से पढ़ाई करे या फिर कुछ बहुत सारी बातें करे। बट कभी कभी ऐसी जो बातें होती है कि आपके बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करना कि देखो वो जो पड़ोस वाला बच्चा है वो कितना अच्छे से बात करता है और तुम देखो कितना अटकते हो। अगर आप उसके सामने इस तरह से बात करते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस वो अपने आप गिरता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स खुद उसको कहते हैं कि तुम अच्छे से बात नहीं करते। मैं ये मानता हूँ पेरेंट्स के लिए कि ये आप अगर ऐसा कर रहे हो तो उसको मत कीजिए, आप इसको थोड़ा सा अलग ढंग से कर सकते हैं, आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते कि बच्चा ठीक है अगर आपको इशू आ रहा है ना, नो इशू, आप क्या कीजिए थोड़ा सा इस तरह से बात करके देखिए। अभी आपको भी फ़ोन कॉल आया है घर पर, तो आप अपने बच्चों को बोल सकते कि बेटा बेटी जाओ आप उसको उठाओ और उनसे बात करो। अगर आपका बेटा ही कहता है कि पापा मम्मी बात नहीं कर पाऊंगा ये वगैरह, तो उसको सपोर्ट करके नहीं बेटा ठीक है कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करके देखो। तो अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं, ना कि उसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो धीरे धीरे अपने जो इशू है जिसको स्टैमरिंग कहते हैं वो अपने आप कम हो जाती है। और जब वो जैसे जैसे आपसे दूर जाने लगता है या फिर वो बड़ा होने लगता है, कॉलेज में जाता है, जॉब के लिए जाता है, तो उसको किसी का सपोर्ट नहीं रहता और वो आपके साथ भी उसका रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है। सो टिप नंबर 2 पेरेंट के लिए दोस्तों यही है कि आप अपने बच्चों को कंपेयर मत कीजिए, उसको मोटिवेट जरूर कीजिए। अब दोस्तों जो मेरा 3rd पॉइंट है वो आपके लिए है, ये आपके पेरेंट के लिए नहीं है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। बहुत लोग ये कहते हैं कि स्टैमरिंग है इसको तो भाई इसको छोड़ दो, या फिर अरे सर मुझे स्टैमरिंग है मुझे कुछ मत कहो, या फिर बहुत सारे हम लोग ये कहते हैं कि जो लोग स्टैमरर है उनके उनको अच्छे से हैंडल करो, उनको कुछ मत कहो, या फिर उनसे अच्छे से बात करो, या ऐसे बात करते हैं उनके ऊपर मत हंसो, या वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं। मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि ये बहुत 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 गलत बात है। आप अगर अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि आप स्टैमरर है, और फिर यही बात अगर आप 10 लोगों को कहते हैं कि हम लोग स्टैमरर है तो हमको भाई अच्छे से आप हैंडल करो, ये हम आपको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, हम ऐसे ही हैं, ये हमको कुछ तो हुआ है तो आप हमको एक स्पेशल टाइप में कंसिडर करो, और फिर आप हमको ना उस तरह से हमारे साथ ऐसे बिहेव करो। इस तरह के जो बातें होती है दोस्तों, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये बात अगर आप खुद से ऐसा अपने आप को
समझते हैं कि मैं इस तरह से हूँ तो मतलब लोग मुझे इस तरह से बात करेंगे, उस तरह से बात करेंगे, किसने अगर मुझे जोर से कुछ कहा या फिर किसी ने मुझे एकदम से कुछ पूछा तो मुझे स्टैमरिंग के इशू होगा, ये होगा, इस तरह से जो बातें हैं ना दोस्तों, जो आप लोग बाहर जो लोग उसको प्रमोट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप उस जिसको ये इशू है ना उसको एक स्टेज पर लेकर जाइए और उसको कहिए कि आप बात करें, आप ये जो इशू है ये बात करने से सॉल्व होगा, ना ही आप किसी को एक्सक्यूज देने से सॉल्व होगा इशू। तो अगर आपको बात ही करना है तो अपने दम पर बात कीजिए ना, कि अपने साथ 10 लोगों को लेकर जाते कि ये हमारा स्टैमरिंग का ग्रुप है और सर क्या हम आपसे बात कर सकते हैं। अच्छी बात है कि आप एक ग्रुप में जा रहे हैं, किसी इंसान से बात कर रहे हो, आप बोलने से पहले उनको कहते कि भाई मुझे ये इशू है, आप प्लीज मुझे ऐसा कंसिडर कीजिए, तो वो क्या करेगा, आपको उस तरह से कंसिडर करेगा। बट क्या आपको सच में लगता है क्या कि ये ऐसी चीजें आपको कभी काम में भी आएगी, कि आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी आप किसी को एक्सक्यूज दे रहे कि भाई मैं ऐसा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करो। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा करने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए कि आप किसी स्टेज पर जाइए, किसी सेमिनार में जाइए, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन दीजिए या फिर अननोन कॉल कीजिए, वहाँ पर आप अपनी पहचान को, मतलब आप स्टैमरिंग इसको मत कहिए, बट आप अपनी तरफ से कुछ ट्राई कीजिए ना। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट आपके लिए ये दोस्तों कि एक्सक्यूज मत दीजिए अपने लिए कि मुझे ये इशू है वो इशू है। अब मैंने जो आपकी दो बातें कवर की है पेरेंट्स के लिए, वो तो पेरेंट के साइड से हो गया, बट आपके लिए जो बात है कि आप खुद को एक्सक्यूज मत दीजिए कि मुझे ये इशू है वो इशू है। जाइए बाहर, जाइए लोगों से बात कीजिए, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं अपने दोस्तों को कहिए कि आप जरा रुक जाइए मुझे बात करने दीजिए, बाहर आ गए। अपने दोस्तों को ऐसा मत कहिए कभी कि अरे यार तू चलता है क्या मेरे साथ, मुझे वो इशू आता है बात करने में, तो क्या तू मेरी हेल्प करेगा। ऐसा एक्सक्यूज मत दीजिए, आप खुद होकर वहाँ पर जाने की कोशिश कीजिए और उस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए, फील कीजिए। हो सकता है कि आप उस चीज़ में प्रॉपरली बात ना कर सके, नो इशू, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, बट अगर आप इस स्ट्रगलिंग स्टेज से बाहर जाएंगे ना, ये शायद हो सकता है आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना आपको शायद टाइम लगे उस चीज़ को समझने में करने में, बट जब आप इस स्ट्रगलिंग स्टेज से बाहर निकलते हो तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि आपने खुद के दम पर इसको ओवरकम किया है। मैं जो बात करता हूँ मेरी, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टैमरिंग ओवरकम हो सकती है, जो मैंने खुद के दम पर किया है। बहुत सारे लोग उसको एक्सक्यूज देते हैं, वो कहते हैं कि स्टैमरिंग हैट ओवरकम नहीं हो सकती अभी, 100% तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ये जो बातें हैं जो होती है ओवरकम 100% किसके बेसिस पर होती है, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ना कि आप किसी को एक्सक्यूज दें। सो दोस्तों अभी तक मैंने जो भी बातें कवर की है, दो बातें आपके पेरेंट के लिए और एक बात आपके लिए कवर की है, मैं थोड़ा उसको रिपीट करना चाहूँगा थोड़ा शॉर्ट में। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के सेंटेंस को उसको कंप्लीट करना देना चाहिए, ना कि आप खुद उसको कंप्लीट करें। सबसे पहली बात, अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत कीजिए, उसको मोटिवेट करते रहे कि आप बच्चा ये करो वो करो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अब इसमें प्रैक्टिकल क्या करें, हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल क्या सिखाएं, तो दोस्तों मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंहासन कीजिए। अपने बच्चों को कहिए सुबह सुबह 5 बार सिंहासन करें। अपने बच्चों को कहिए कि सुबह घर से निकलने से पहले आप बेटा आप आधा घंटा रीडिंग करके जाइए, अच्छे से रीडिंग करके जाइए। अगर आपको रीडिंग पता नहीं तो वीडियो में देख सकते हैं मेरे, रीडिंग कैसे किया जाता है, स्लो होता है, मीडियम होता है, वो उसमें सब कुछ है। और अपने बच्चों को 2 बार रीडिंग करने के लिए कहिए, और मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए उसको वो दिखाइए, उससे वो चीज़ें करवाने की कोशिश कीजिए, आप भी खुद उसको समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरी बात आपके लिए, एक्सक्यूज मत दीजिए कि भाई मुझे स्टैमरिंग का इशू है, तो भैया दोस्तों ये मुझे स्टैमरिंग का इशू, तो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करना, वैसे बिहेव मत करना, एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। सो दोस्तों मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों से बात की है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी कभी अपने बच्चों की बात समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको कभी ऐसा इशू था ही नहीं लाइफ में, बट मुझे ऐसा इशू था और मैंने इस चीज़ को फेस किया, अब इसको ओवरकम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपको डाउट आए या फिर आप कहे कि ये इसने कुछ गलत कह दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, आपकी आपकी राय है। इस वीडियो में ये मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरी राय थी। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसी वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले कि स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और जो भी जिनको भी इशू है स्टैमरिंग का, उनको उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।
सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो सच में दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, इस दिन के लिए इतना, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।